तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। ये जो रास्ता ये आपका चला जाएगा सीधे आपका बेचू सिंह द्वार के लिए। ये जो रास्ता है ये सीधे आपका चला जाएगा, आगे ही आपका कुछ ही मीटर की दूरी पर आपका मानस मंदिर है और उसके आगे आपका है दुर्गा कुंड, दुर्गा मंदिर। ठीक है दोस्तों, वैसे देखा है तो ये रास्ता आपका सीधे वाराणसी जंक्शन के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित त्रिदेव मंदिर के नज़ारे। ये देख रहे हैं इस साइड प्रवेश द्वार पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, यही है आपका त्रिदेव मंदिर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड। देखिए मंदिर के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर देखिए पानी पीने के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था बनाया गया है और उस साइड आपका प्रसाद का दुकान, यहाँ पर आपका जूता चप्पल जो भी जमा करना है कर दीजिएगा और अपने अच्छा अनुसार जो भी 10-5-20 रुपये देना होगा दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मंदिर परिसर के अंदर का नज़ारा है कुछ इस प्रकार, ये देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। देख रहे हैं इस मंदिर के प्रांगण में देखें तो कई सारा आपका पंखा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, उस साइड देखिए कूलर भी लगा हुआ है गर्मी को देखते हुए, सबसे अच्छी बात तो ये है, और उस साइड भी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी आपका आरती हो रहा है। तो यह था नजारा अपने वाराणसी में वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित त्रिदेव मंदिर के नज़ारे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसा ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। देखिए ऐसे देख कर चलना पड़ रहा है क्योंकि जो नाला है ओवरफ्लो हो रहा है समय जब मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।